अमेरिका के इतिहास में पहली बार एक महिला शीर्ष नेवी अधिकारी बनी है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इस पद के लिए एडमिरल लिसा फ्रेंचेटी को चुना है। लिसा फ्रेंचेटी अमेरिकी नौसेना के इतिहास में ये पद संभालने वाली पहली महिला होंगी और इसके अलावा वो संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ में भी पहली महिला होंगी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर सुरक्षा गाइडलाइंस तय करने के लिए कंपनियों के साथ हुए समझौते का अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया। इस क्षेत्र से जुड़ी बड़ी कंपनियों ने व्हाइट हाउस के साथ एआई टेक्नोलॉजी को सुरक्षित बनाने की कवायद के प्रति प्रतिबद्धता जताई। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स घर ले जाने के मामले की सुनवाई अगले साल 20 मई को होगी। अमेरिका की डिस्ट्रिक्ट जज एलीन कैनन ने शुक्रवार को ये जानकारी दी। खास बात यह है कि ट्रंप ने ही इन्हें जज के रूप में नियुक्त किया था। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने संवेदनशील राष्ट्रीय सुरक्षा जानकारी वाले 31 दस्तावेजों को अवैध रूप से रखा था। व्हाइट हाउस राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जेक सुलिवन ने वैगनर लड़ाकों के अब यूक्रेन की लड़ाई में शामिल नहीं होने की बात कही। बुधवार को जारी वीडियो में वैगनर प्रमुख येवगेनी प्रिगोजिन ने अपने लड़ाकों के यूक्रेन युद्ध में फिलहाल शामिल नहीं होने का ऐलान किया था। चीन और अमेरिका के विवाद के बीच 100 साल के पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री हेनरी किसिंजर ने गुरुवार को राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की। हेनरी किसिंजर वही अमेरिकी नेता हैं जिन्होंने 1970 के दशक में बीच चीन से बिगड़ते रिश्तों को संभाला था। हालांकि अभी अमेरिका ने कहा है कि ये किसिंजर की निजी यात्रा है, वो अमेरिका के प्रतिनिधि के तौर पर नहीं गए हैं। नॉर्थ कैरोलिना में आए शक्तिशाली बवंडर का एक नया वीडियो सामने आया है। वीडियो में कई घरों की छत और मलबा तेज हवा में उड़ता दिखाई दे रहा है। वहीं राष्ट्रीय मौसम सेवा के मुताबिक इस बवंडर ने 16 लोगों को घायल कर दिया, जिनमें से 2 को जानलेवा चोटें आई हैं। पश्चिमी केंटकी में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में केंटकी के मेफील्ड शहर में कुछ लोगों को आधे डूबे वाहनों के साथ नाव चलाते भी देखा गया। बाढ़ का प्रभाव इतना ज्यादा था कि एक 18 पहिया ट्रक सड़क किनारे पलटा नजर आया। फिलहाल राहत बचाव की टीम बाढ़ बारिश में फंसे लोगों का रेस्क्यू करने में पूरी तरह से जुटी हुई है। कोलोराडो स्प्रिंग्स में तेजी से ओले गिरने का वीडियो सामने आया है। नेशनल वेदर सर्विस के मुताबिक पश्चिमी मिसौरी, दक्षिणी इलिनोइस और उत्तरी केंटकी में तेज आंधी आई, जिससे पिंग पोंग गेंदों के आकार के ओले गिरे, जिसके कारण लोगों के घरों और गाड़ियों को काफी नुकसान पहुंचा। हॉलीवुड दिग्गजों के बिना सैन डियागो का कॉमिक कॉन इंटरनेशनल फेस्टिवल शुरू हुआ। लॉस एंजल्स में अभिनेताओं और लेखकों के संयुक्त प्रदर्शन के चलते सैन डियागो कॉमिक कॉन में हॉलीवुड की दिग्गज हस्तियां नहीं आईं। 4 दिन चलने वाले इस इवेंट में 10,000 लोगों को शामिल करने की योजना है। अमेरिका के दिग्गज सिंगर टोनी बेनेट का 96 साल की उम्र में निधन हो गया। वो 2 साल से अल्जाइमर बीमारी से जूझ रहे थे। हॉलीवुड में उनका सिंगिंग करियर 7 दशकों तक कायम रहा। उनके सुपरहिट एल्बमों के लिए उन्हें 20 बार ग्रैमी अवार्ड और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। अमेरिका में 21वीं सदी के गायकों के लिए टोनी बेनेट प्रेरणा माने जाते हैं।